हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल द डियरेस्ट एंड नियरेस्ट स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने इससे पहले हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर का एक वीडियो बनाया है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी उसमें क्वालिटी का इशू था, बट इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। क्वालिटी विल बी द बेस्ट एंड द एक्सप्लेनेशन विल ऑल्सो बी द बेस्ट। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने पिछले टाइम भी एक बात कही थी कि सबसे पहले टाइटल को समझो, ठीक है, कि टाइटल क्या कह रहा है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन से आपको किसी को पता होगा तो आप सोच सकते हो, आपके दिमाग में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अब सिंपल में अगर बात करें तो जो रूल्स होते हैं, रूल्स बनाते हैं हम फॉलो करने के लिए, उसको हम एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, इफ़ यू गो टू द फ्लोर किड्स पब्लिक स्कूल और एनीवेयर एल्स, तो वहाँ पे सर्टेन रूल्स होते हैं दैट द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, वेल वॉन द शूज ऑल्सो, प्रॉपर नेल कट ऑल्सो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब और दूसरे रूल्स क्या होते हैं, दैट द टीचर शुड नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन, ये सारे स्कूल के रूल्स होते हैं, सर्टन रूल्स होते हैं। तो ये एक तरह का स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, कि स्कूल की पॉलिसीज है, टर्म्स एंड पॉलिसीज, तो वो स्कूल का। ऐसे के ऐसे पूरे देश का भी एक रूल्स और रेगुलेशन बना हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक तरह से, कि लोगों को कैसे सर्वाइव करना है एक देश में, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे राइट टू इक्वेलिटी है, या सर्टन कोई है राइट टू फ्रीडम है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारे जो राइट्स हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। और हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, ठीक है। वैसे तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, वेयर पीपल्स वॉइस इज़ हेयर्ड बाय एवरीवन, वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना जो लीडर होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको किसने चूज़ किया है, लोगों ने चूज़ किया है वोट दे के। तो ऐसा देश जहाँ पे लोगों को अधिकार मिलता है कि उनका लीडर कौन होगा ये चूज़ करने का, तो हम ऐसी कंट्री को क्या बोलेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, रूल्स जो बने होते हैं, जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं एक देश में सर्वाइव करने के लिए, उसी चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये रूल्स बनाता कौन है, ये पहले से ही बना हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, उस टाइम बनाया था, भीमराव जी अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे, और लगभग 300 से भी ऊपर के जो लोग थे उन्होंने सब मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, ठीक है, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए एक्चुअली। और कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा था, 300 से भी ज़्यादा लोगों ने मिल के आपस में डिसाइड किया था कौन से रूल्स होने चाहिए लोगों को, और राइट टू पब्लिक फैसिलिटीज़, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वोटिंग का राइट देना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपको पता तो पड़ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, रूल्स वगैरह होते हैं, रूल्स रेगुलेशन एक कंट्री में रहने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि मुँह से ही रूल बनाए हुए हैं, कि किसी ने बोल दिए और हमने मान लिए, ये पूरे रिटन रूल्स हैं। एक मतलब इतनी मोटी, इससे भी ज़्यादा बड़ी बुक होगी, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है इंडिया का। ऐसे सब कंट्रीज़ में होता है, सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ होता है। ओके, तो ये जितने भी रूल्स लिखे हुए होते हैं एक कंट्री में फॉलो करने के लिए, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इफ़ इट वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब की थी, 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड क्यों की थी, जस्ट क्योंकि एज वी नो दैट द ब्रिटिशर्स बहुत सारा ऑफेंस कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, है ना, और बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, जिससे इंडियंस ने डिमांड किया कि हमको भी राइट्स मिलने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करने के, वोटिंग देने के। तो इसके लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की 1934 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हमको यूँ, जहाँ पे बिल्कुल सारे लोग वोट कर सके, अपना लीडर चूज कर सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर पुटिंग सो मेनी एट्रोसिटीज़, वर डूइंग सो मेनी एट्रोसिटीज़ ऑन द इंडियन पीपल, दैट्स वाई द इंडियन पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर विच
पीपल हैव अ राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और द लीडर एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस एज वेल. ओके. और 1934 में डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन की. और इसको और ज़्यादा पेस कब मिला, इसको और ज़्यादा स्पीड कब मिली, 1946 दिसंबर में ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन की और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. ठीक है. अब इसमें आपको एक चीज़ दे रखी है, जैसे मैं बताऊँ यहाँ पर आपको, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस हैव कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑल नेशंस विथ कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक. ठीक है. अब जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक मतलब फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को अधिकार मिलता है अपना लीडर चूज करने का, वोटिंग करने का, उसको तो वहाँ के कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना ही होगा, 100% कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ होता है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अब सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, सारे देश में रूल्स और रेगुलेशन है, यूएसए में है, यूनाइटेड किंगडम में, सब जगह पे रूल्स और रेगुलेशन बने हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ बहुत उनका रिटर्न. ठीक है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ जिस भी देश में, वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, मतलब कि जहाँ के लीडर जो है वो लोग चूज करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ पे एक तरह से डिक्टेटरशिप चलती है एक तरह से. ठीक है. बट इंडिया तो चाइना एक डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हम, जैसे कि, लेकिन इंडिया जो है एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में लीडर को लोग चूज करते हैं वोट देके. ठीक है. ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है हम अगर देखें ध्यान से. ओके. ध्यान से अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आइडियल्स ऑफ नेशन वेयर वी प्लान टू लिव. ओके. एक देश में वो चीज़ें बनाई जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं कि उनको किस तरीके से रहना है, अपनी जीविका जीनी है, कैसे लिव करना है, सर्वाइव करना है. एक्सप्लेन्स फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, सेट ऑफ रूल्स. ओके. सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एग्रीड बाय ऑल पीपल. अब कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स भी ऐसे होने चाहिए, ये रूल्स ऐसा नहीं कि लोगों के खिलाफ बना दिए, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते ऐसा रूल बना दिया, कहीं पे नौकरी नहीं ले सकते ऐसा रूल बना दिया, ऐसी चीज़ नहीं होती है. रूल्स ऐसे बनाने होते हैं जो सारे लोग एक्सेप्ट करें, सारे लोगों को एक्सेप्ट हो कि नहीं ये रूल सही है, ये हमें मंजूर है, एक्सेप्ट है, ऐसे रूल बनने चाहिए. द रूल्स शुड बी मेंटेन्ड एंड प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर विच शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ओके. यू गॉट दिस पॉइंट. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी रूल्स बने हुए हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स का फिर मिसयूज़ नहीं कर सकता. ऐसा नहीं कि जिस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वही मिसयूज़ कर रही है, वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रूल्स बदल रही है ना. अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज तो चेंज होती रहती है, आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आएगी, फिर वापस बीजेपी आएगी, तो कोई भी अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता. ठीक है. ऐसा भी एक रूल बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कैन चेंज द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. एक्सेप्ट द सजेशंस ऑफ द पीपल एंड द सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई रूल चेंज करना है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, सजेशंस लेनी पड़ेंगी सारी ऑपोजिशंस की और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है. ओके. उन सब की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चेंज कर सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे. ठीक है. गारंटेड राइट टू इक्वलिटी. ठीक है. लोगों को इक्वलिटी का राइट मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सारे लोग इक्वल है, सब लोग स्कूल जा सकते हैं, सबको इक्वली सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी. गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, पॉलिसीज होती है, कोई जैसे प्रधानमंत्री बोल सकते हो आप, ये भामाशाह योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये सब राइट टू इक्वलिटी के, सबको बराबर से मिलनी चाहिए ये योजनाएँ. ठीक है. राइट टू इक्वलिटी का मतलब पब्लिक फैसिलिटीज है, जैसे पब्लिक टॉयलेट से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी वाले यूज़ कर सकते हैं या एससी एसटी वाले कर सकते हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं. सो ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी. चेक इफ डोमिनेंट ग्रुप इज़ नॉट यूजिंग पावर अगेंस्ट लेस डोमिनेंट ग्रुप. ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में जो ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी पर दबाव बना रहे हैं. ठीक है. मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. इन इंडिया हिंदूज़ आर मोर. ओके. हिंदू लोग ज़्यादा है एंड मुस्लिम्स आर लेस, मुस्लिम्स लोग कम है. ठीक है. मुस्लिम और दूसरे भी अगर ले ले, क्रिश्चियन वगैरह, तो वो भी कम है. बट मुस्लिम क्या है, अगर देखा जाए तो हिंदू के बाद सेकंड नंबर किसका था, मुस्लिम्स का ही आता है जनसंख्या में या पॉपुलेशन में. ठीक है.
तो इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम्स की कम है, तो हिंदू क्या हुए, मेजॉरिटी हुए, और मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी हुए। ठीक है, माइनॉरिटी मतलब छोटा, कम, जो नंबर्स में कम होते, संख्या में कम होते, मेजॉरिटी दैट मीन्स हायर इन द नंबर्स, मोर इन द नंबर्स। ओके, तो ऐसा ना हो कि हिंदू लोग जो है वो मुस्लिम्स पे दबाव बना दे कि नहीं आपको हम जैसा कहते हैं वैसे ही करिए आप, ओके, यू विल जस्ट फॉलो द रूल्स विच हिंदू पीपल वुड मेक। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल प्रेफरेंस मिलना चाहिए हर चीज़ के यूज़ में। ओके, बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है वो दोनों इक्वल यूज़ करें, जो फैसिलिटीज़ होती है वगैरह, प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ एंड देयर राइट्स। ठीक है, ये वही चीज़ आ गई कि क्रिश्चियंस के भी अधिकार होते हैं, उनके अलग धर्म वगैरह होते हैं, क्रीड वगैरह, उनके आप बोल सकते हैं रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, हिंदुओं में शादी करने का रिवाज अलग होता है, मुस्लिम्स में अलग होता है। तो कोई ऐसा दबाव ना बना दे एक दूसरे पर कि नहीं आप हमारे तरीके से काम कीजिए, हमारा रिवाज अपनाइए, ऐसा कोई एक दूसरे को नहीं बोल सकता। तो ये भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन देती है हर जाति को, हर कास्ट को, हर धर्म के लोग को, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख ईसाई, कोई भी हो, सबको बराबर का इक्वलिटी देती है, उनकी कास्ट, क्रीड, कल्चर को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टेकिंग डिसीजन दैट कुड एडवर्सली अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से लोगों को प्रोटेक्ट करती है कि गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन ना ले जिससे लोगों को भी नुकसान हो। ठीक है, बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, ऐसे जो नेशन है जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही, जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान होता है जो बिना वोटिंग के सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में होता है, बहुत जगह पे होता है, बहुत देश में, जैसे श्रीलंका में भी था, सिन्हालीस जो थे, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो सिन्हालीस जो थे वो ज़्यादा थे नंबर्स में, मेजॉरिटी थे, तो उनके अंदर से लीडर बनाया गया था श्रीलंका में, जिन्होंने तमिलियंस को बहुत ही प्रॉब्लम्स दी थी, बहुत ज़्यादा ऑफेंस किए थे, एट्रोसिटीज़ की थी उनके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सारे लोगों को। इफ़ वी टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ नेपाल, ये जो नेपाल का दिया हुआ है, नेपाल में पहले वही थी डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे क्या होता था, कोई भी रूल जो होता था, ये आप देख सकते हैं साइड में, ये वहाँ पे जो भी रूल्स है वो बना, ये जो भी है, ये नेपाल का, ये पढ़ लेना, ये जो भी रूल्स है वो फाइनलाइज कौन करता था, किंग जो था वहाँ का, राजा जो था वो फाइनलाइज करता था। ठीक है, बट मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे राजा वगैरह रूल करते हैं वही डिसीजन लेते, उसको मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, बट फाइनली रिसेंटली अगर हम और उसमें अमेंडमेंट्स किए उनके कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों ने डिमांड किया कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, अप्रैल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़कों पे उतर गए थे, ये सब किया था, तो उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जहाँ लोगों को अधिकार मिल सके अपना लीडर चूज करने का। ठीक है, जैसे इंडिया में थे, तो अब नेपाल में भी चीज़ बदल गई है, वहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई है, मोनार्की सिस्टम जो था वहाँ पे, दैट अ किंग शुड मेक ऑल द रूल्स, एक राजा ही सारे रूल बना सकता है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, वैनिश कर दिया कम्प्लीटली, अब बोल सकते हो ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट आगे देखें इसमें, तो अब नेपाल में भी अब वोटिंग वगैरह होती है और वहाँ पे ऐसे ही उसको कोई चूज़ करते हैं लीडर को। ठीक है, देन नेपाल में भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, वी चूज लीडर्स सो दैट दे एक्सरसाइज पावर ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, तो वहाँ पे भी सिस्टम चेंज कर दिया, मोनार्की से डेमोक्रेटिक कर दी कंट्री को, राजा जो डिसीजन लेता था वो कौन लेते थे, लोगों के अंडर में कर दिया, लोग अपने लीडर को चूज करते थे, वोट करते थे और फिर उसके ऊपर फिर डिसीजन लिया जाता था। अब हम बात करें आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा जो मेन, अब इंडिया की बात करते, ये एग्जाम्पल्स दे रखे जो आपके जो रीडर में है, ये एग्जाम्पल्स है, आप बिल्कुल देखिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। ये वही बताया कि अगर किसी को राइट्स दे दिए जाए, ये क्लास में जो मॉनिटर था तो वो अपना मॉनिटर के पास अधिकार होता है कि कोई बोल रहा है तो वो बोर्ड पे नाम लिखेगा और टीचर उसको पनिश करेंगे जिसका भी नाम आया हो। तो ये जो मॉनिटर है इसमें उसने बिना काम का अपने किसी दोस्त का ऐसे ही नाम लिख दिया बोर्ड पे मस्ती करने के लिए, तो फिर मैम ने उसको पनिश किया। तो बहुत सारे लोग, ये एक एग्जांपल दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री में भी लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो अपनी पावर का मिसयूज़ करते, गलत फ़ायदा उठाते। सो इस चीज़ से बचने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी गाइडलाइंस बना रखी है, रूल्स और रेगुलेशन बना रखी है, दैट नो मिनिस्टर कैन मिसयूज हिज पावर ऑन द पीपल्स ऑफ अ सर्टेन कंट्री। ओके, अगर आगे हम देखें, अब मैं हमारे मेन, ये भी एक है, अनदर एग्जाम्पल दे रखा है फुटबॉल का। ठीक है,
कि हम मेजॉरिटी में ज़्यादा है इसलिए हम जीत गए वगैरह, हम क्रिकेट खेलेंगे मेजॉरिटी में ज़्यादा है और ये फुटबॉल वाले कम है वगैरह। तो एग्जांपल आप देख लेना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हम आगे देखें, अब की फीचर्स मेन जो हमारा आता है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे आपको इसमें, आप देख सकते हैं। ये शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, आई हैव टू चैप्टर्स, वही कि यहाँ पे शबनम ने खुद का डिसीजन खुद लिया। कि शबनम क्या कह रही थी कि उसके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम है कल और दो चैप्टर पढ़ने बाकी है, लेकिन उसने क्या डिसीजन लिया कि, और उसको टीवी भी देखनी थी, उसका फेवरेट सीरियल भी आ रहा था और एग्ज़ाम के लिए दो चैप्टर पढ़ने बाकी भी थे, लेकिन उसने डिसीजन क्या लिया कि वो दो चैप्टर फिनिश करेगी, टीवी नहीं देखेगी। और फाइनली जब वो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में गई तो वो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि उसने जो लास्ट में सीरियल नहीं देखा और जो दो चैप्टर बाकी थे वो पढ़े, उन दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। नाउ ये एग्जाम्पल दे रखे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स वगैरह के, ठीक है। द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड इन नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट डेमोक्रेसी, ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक तो हम समझ रहे थे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट हैपेंड इन द नेपाल, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं इंडिया में, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सा इसको ध्यान से देखना, आप जो भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते हैं, उनका बहुत ही मेन रोल था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तो वही चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, ठीक है। उनको चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर ने जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, एससी जिसको बोलते हैं, एसटीएससी, तो एससीज को, वो खुद एक एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लोअर कैटेगरी जिनको बोलते थे पहले, लोअर कास्ट अपर कास्ट का सिस्टम जो था इंडिया में बहुत पहले, तो उसको अब तो एबॉलिश कर दिया, बट वो खुद एक ऐसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। लाइफ ओके पे अभी सीरियल भी आता था, एक्चुअल में लाइफ ओके या कौन सा चैनल पर को पता नहीं, भीमराव अम्बेडकर का सीरियल आता है, वो बहुत अच्छा सीरियल, आपको देखना चाहिए, पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई गई उसमें। तो उन्होंने एससी को अर्ज किया, ही अर्ज द एससी कैटेगरी पीपल दैट दे शुड टेक अ जॉब इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, पब्लिक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, ओके, गवर्नमेंट जॉब जो भी है वो उनको लेनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और ये कब पॉसिबल था, जब उनको इक्वलिटी मिलती। इक्वलिटी कैसे मिलती, अब एससीज और एसटीज की अगर बात करें तो देवर नॉट दैट मच वेल्दियर एट दैट टाइम एंड एट दिस टाइम ऑल्सो, उनके पास इतना पैसा नहीं है एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं इन कंपैरिजन विद द जनरल्स एंड द ओबीसी। सो ही ऑर्गेनाइज्ड वन स्कीम ऑफ लाइक द रिजर्वेशन पॉलिसी स्कीम, आपको आपने सुना होगा, रिजर्वेशन में जो वीकर सेक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वेल्थ, ओके, पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, बीपीएल परिवार जो होता है, एपीएल बीपीएल, तो उनको रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया ताकि वो भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सरकारी नौकरी वगैरह गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसको, उसका फ़ायदा उठा सके और उनको भी जॉब मिल सके, ठीक है। और दूसरी नेक्स्ट चीज़ इसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुई, 20th सेंचुरी में इसकी मेकिंग शुरू हुई थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन, तो उस टाइम से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड बढ़ गई थी, लोगों ने तैयारियाँ कर ली थी। टाइम स्पेंड टू प्लान एंड इमेजिन व्हाट फ्री इंडिया वुड बी लाइक, लोग ऐसा इमेजिन करने लगे और राइटिंग करने लगी कि अगर इंडिया में खुद के रूल्स होंगे, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, इंडिया की खुद की पावर होगी तो इंडिया कैसा रहेगा, कैसा ऐसा है वो, देवर इमेजिनेटिंग फिक्शनल प्रेजेंस क्रिएट कर रहे थे वो, एवरी वन टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। तो ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, एट दैट टाइम द इंडियन पीपल डिमांडेड दैट इंडियंस शुड ऑल्सो गेट इक्वल राइट्स इन कंपेरिजन विद द ब्रिटिशर्स, जितने राइट्स ब्रिटिशर्स को है उतने इंडियंस को भी मिलने चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या ब्रिटिशर्स ही हर जगह पे बैठे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट्स होती थी वहाँ पे डिसीजन ब्रिटिशर्स लेते थे, कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, नौकरी वगैरह जो होती है, जॉब्स वगैरह, तो वो भी ब्रिटिशर्स करते थे। सो द पीपल ऑफ इंडिया डिमांडेड दैट वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज द ब्रिटिशर्स, हमको भी मौका मिलना चाहिए, वी मस्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑल्सो, हमें भी पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करने का मौका मिलना चाहिए, हम भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करें, लोग हमें वोट देने का, लोगों के पास भी अधिकार होना चाहिए कि वो हमें वोट दे ताकि हम भी पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर सके और रूल कर सके सर्टेन जगहों पे, ठीक है, ये डिमांड की थी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें।
कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 300 लोगों ने मिलके बनाया था, और मोर देन 300 भी बोल सकते हो। ये रहा देखो, आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 300 लोगों ने बनाया था 1946 में, और ये 3 साल तक इस पर वर्क हुआ था। ठीक है, 3 साल तक इसके ऊपर वर्क हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और अराउंड 103 अमेंडमेंट्स आर देयर, 103 बार या उससे ज़्यादा बार कुछ सुधार किए गए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद उसको अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया देश में। ठीक है, 1950 में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, देन ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटो क्या था इंडिया में, कि सारे इंडिया में उस टाइम पे क्या है, जाति के नाम पे लोग डिवाइडेड थे। ठीक है, जिसका ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया था। सो मेन मोटो क्या था, मेन मोटिवेशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, दैट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स, और तो ये जितने भी लोग हैं कास्ट एंड क्रीड के, दे कम टुगेदर एंड गेट यूनाइटेड। ओके, इंडिया में जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, फ्रॉम द कास्ट ऑफ, फ्रॉम द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड अदर क्रिश्चियंस एंड अदर ऑल्सो, दे कम गेट टुगेदर एंड बी यूनाइटेड। ओके, तो सबको साथ में लाने के लिए एक एफर्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बना के। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक्चुअली इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम से, फिर कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था, उसके बाद से इफेक्ट में आया था, और पार्टीशन की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। मुस्लिम्स जो थे उधर, अपने बात करें नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही मुस्लिम्स जो रहते थे, उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान की क्रिएशन की। तो ये कांग्रेस ने उनके सामने एक डिमांड रखी थी कि आप हमारा साथ देंगे इंडिया के आज़ादी के लिए वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद उनको एक अलग से एरिया मिल जाएगा। तो ये पार्टीशन हुआ, उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया, और बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे छोटे मोटे जो स्टेट होते हैं टुकड़ों में, बट इंडिया क्या है, आज जैसा इंडिया दिख रहा है वैसा पहले नहीं था। पहले छोटे छोटे राजा अपना एरिया लेके बैठे थे, अपना अलग से स्टेट लेके बैठे थे, टुकड़ों में डिवाइडेड था इंडिया जो था। उसको यूनाइट करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे स्टेट्स को साथ में किया, एक पूरा बड़ा इंडिया बनाया, और उसके बाद में फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को प्रिपेयर किया गया था। डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब इंडिया में क्या है, सारे लोग अलग हैं, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। हम हिंदू है, हमारे रीति रिवाज अलग है, रिचुअल्स अलग है, मुस्लिम्स के अलग है। तो भले ही हमारे, वो आपने एक सुना होगा मोटो है हिंदी में कि अनेकता में एकता। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, सारे लोग अलग तरह के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, धर्म के हैं, बट स्टिल दे लिव टुगेदर एंड सेलिब्रेट टुगेदर ईच एंड एवरी फेस्टिवल। दिस इज़ द ग्रेट थिंग एंड दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पिलार्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पिलार्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके। ठीक है, जो 5 पिलार्स आप बोल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फेडरलिज्म है। ठीक है, देन तो ये हम धीरे धीरे हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, पिलार्स क्या होते हैं। पिलार्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, तो फेडरलिज्म क्या होता है, अगर फेडरलिज्म की बात करें तो आप ध्यान से समझना। फेडरलिज्म होता है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब इंडिया में गवर्नमेंट क्या, एक जगह ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ हैंडल कर रही है, चाहे स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो या लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सब कुछ स्टेट हैंडल कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरलिज्म चल रहा है इंडिया में, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब लेवल्स में डिवाइड होते हैं। तो इंडिया में कौन से लेवल में गवर्नमेंट डिवाइडेड है, लोकल, स्टेट एंड सेंटर, वाइल ईच स्टेट एन्जॉयज ऑटोनोमी इन टर्म्स ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट में भी अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, तो वो अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो। तो हर स्टेट अपने रूल्स, अपने जो उनके जो राइट्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, बट गाइडलाइन किसकी फॉलो करनी पड़ेगी उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिडिल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे बॉटम लेवल पे कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पंचायती राज वगैरह जो होते हैं, नगर पालिका वगैरह। ठीक है, तो ये आपको फेडरलिज्म समझ में आ गया।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स, पीपल हैव रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, एनकरेज डेमोक्रेसी एंड ब्रेक क्लचेस ऑफ कास्ट क्लास एंड जेंडर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि अलग अलग कास्ट ग्रेड के लोग होते हैं और सबको इक्वल राइट दिया जाता है वोटिंग का। ऐसा नहीं है दैट ओनली हिंदूज वोट कर सकते हैं या ओनली मुस्लिम्स वोट कर सकते हैं या ओनली SC ST कर सकते हैं, OBC कर सकते हैं, जनरल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ही वही है कि सबको वोटिंग का राइट मिले, ठीक है, इक्वल। आपने ये 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये बुक का एग्जांपल दे रखा है, बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन ऑफ वोटिंग। वोट करने की लाइन में खड़ी थी कांता और उसने फील किया कि हमारे मालिक भी वोटिंग लाइन में खड़े हैं वोट करने के लिए और हम भी खड़े हैं, तो उसने फील किया कि हम इक्वल हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इक्वलिटी नहीं खेले। आपने पढ़ा होगा ये, अभी ये वीडियो बड़ा नहीं कर सकते इतना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही होता है कि कास्ट ग्रेड लोगों की नहीं देखी जाती, सबको इक्वल मानते हैं, सबको इक्वल राइट दिया जाता है वोटिंग करने का, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का फैसिलिटी मिलता है उनको, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर बात करें, ईच ऑर्गन परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस एंड चेक अनदर ऑर्गन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन देम। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि जो भी पावर्स है ना वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है गवर्नमेंट्स में, ठीक है। जैसे कुछ पावर्स जो है वो अब जैसे कोई नया रूल लाना हो, नया कुछ बदलाव लाना हो, तो वो पावर सिर्फ किसके पास है, देश में अगर कोई चेंजेस लाना हो, जैसे डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन है, नोटबंदी की थी BJP सरकार ने, तो वो किसने की थी, वो पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ओके, उन्होंने डिस्कशन करके नोटबंदी करी, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे अपने स्टेट में नोटबंदी नहीं कर सकती, ठीक है। तो यही चीज़ है, पावर्स को सेपरेट कर दिया जाता है अलग अलग लेवल पे, कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इतने ही डिसीजन ले पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले सकती है, लोकल गवर्नमेंट के पास और कम अथॉरिटी होती है, वो इतने ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाती है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 levels, ओके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे सी द लेजिस्लेचर रेफर्स, ये लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और ये फिर जुडिशियरी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेटिव जो होता है उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, जो वोट जीत के लोग जिनको वोट करते हैं तो वो फिर लीडर बन जाते हैं, अगर वोटिंग जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं, ठीक है। जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स, ओके, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, तो उनका रोल क्या है, वो लोग कोई भी डिसीजन लेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो सर्टेन एक डिसीजन ले लेगा, ठीक है, जैसे डीमोनेटाइजेशन का ले लिया, कुछ भी ले लिया, दूसरा कोई भी डिसीजन ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने लिया, तो ये लेजिस्लेचर कहलाया, उसने डिसीजन लिया। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर ने जो डिसीजन लिया उस पर काम करना शुरू करता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे नोटबंदी करी गई, नोटबंदी का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने लिया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो नोट्स वगैरह बैंक्स को एडवाइस कौन देगा, मतलब बैंक्स को ऑर्डर कौन देगा सबको, लोगों को, कि आप नोट एक्सचेंज कर लीजिए, आपका पैसा जमा करा दीजिए क्योंकि नोटबंदी हो गई है, लिमिटेड टाइम पीरियड दिया था, इतने टाइम में एक्सचेंज करना है ये सब, तो वो एग्जीक्यूटिव करते हैं। अभी इसमें आपके आगे और क्लास में भी आएगा कि एग्जीक्यूटिव लेवल में भी दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये आपके नेक्स्ट आगे की क्लासों में भी पढ़ा जाएगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होता है जो बदलता रहता है, वो इलेक्शन जीत के आता है, उसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे CM वगैरह होता है या जो भी है, वो फिक्स नहीं रहते, वो परमानेंट नहीं बोल सकते। परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, जो नौकरी करते हैं सरकार के अंडर में, जो सरकारी नौकरी करते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो तो इलेक्शन जीत के तो आए नहीं है नौकरी करने के लिए, एग्जाम दे के आए हैं, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर डिसीजन लेता है उसको लागू कौन करता है, उस डिसीजन को एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। और जुडिशरी जो है नेक्स्ट थिंग, जुडिशरी includes the court, the Supreme Court, the High Court and the District Courts also,
जुडिशरी का रोल क्या है कि जो भी डिसीजन लेजिस्लेचर ने लिए उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, लागू एग्जीक्यूटिव करता है. वो डिसीजन वेदर इट इज़ इन अ फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द सर्टेन कंट्री और नॉट, जुडिशरी या फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं, दे चेक दैट जो रूल्स वगैरह बनाए गए, जो लागू किया नया रूल, ठीक है, वो लोगों के फेवर में है, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये चेक करता है जुडिशरी. अगर नुकसान हो रहा है दैन द पीपल विल रेज देयर वॉइस, ओके, पीपल विल रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे विल स्यू इन द कोर्ट. ओके, कोर्ट में वो फिर क्लेम करेंगे और फिर जुडिशियल सिस्टम जो है वो डिसीजन लेगा कि वो रूल को कैंसिल करना है या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, सुधार करना है. तो ये आपको समझ में आ गया सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है वो, ठीक है. देन फंडामेंटल राइट्स जो नेक्स्ट चीज़ आपको दे रखी है, फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट्स क्या, थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा. देखो ऐसे तो जो पांच ये राइट, छह राइट जो है वो बेसिक राइट्स है, मतलब ये राइट तो सबको मालूम होने ही चाहिए. राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये जो साइड में दे रखे आपको, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बेसिक राइट्स है, ये तो सबको मालूम होने चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये जो भी है वो. फंडामेंटल राइट्स रेफर्ड एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ स्टेट पावर्स, प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट पावर, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही वही है कि लोगों के ऊपर, जैसे माइनॉरिटी है या कोई दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है अपना दबाव नहीं बना सकती, मिसयूज़ नहीं कर सकती गवर्नमेंट पावर को, उनके कोई अधिकार छीन नहीं सकती. जैसे राइट टू इक्वलिटी है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि मुस्लिम्स को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देगी और हिंदू को ही जॉब अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है, इक्वलिटी प्रोवाइड करेगी. तो ये भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी वगैरह. प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट पावर, एवरी सिटीजन मस्ट क्लेम इट एंड मस्ट बाइंड ऑन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट पावर टू मेक लॉज, ठीक है. और एवरी सिटीजन को, अब इफ़ एनी वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम अ सर्टेन और पर्टिकुलर कंट्री फील्स लाइक हिज राइट्स आर टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, देन ही कैन क्लेम अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट इन द कोर्ट. ओके, वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में कि उसके सर्टेन जो राइट्स अधिकार है वो छीने जा रहे हैं उससे, ठीक है, एनेक्स कर लिए जा रहे हैं, हड़प लिए जा रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है. नेक्स्ट जो चीज़ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स तो हो गया यहाँ पे. चलो नेक्स्ट फिफ्थ है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होता है. अ सेक्युलर स्टेट, यहाँ पे डेफिनेशन दे रही है, अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. ओके, सेक्युलर स्टेट का मतलब है जहाँ पे कोई सर्टेन एक कास्ट या एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. इन इंडिया देर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कास्ट, हिंदूज, मुस्लिम्स, आई हैव सेड ऑलरेडी. सो वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज अ हिंदू स्टेट, ओके, और द मुस्लिम स्टेट. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर दैट मीन्स इंडिया में जितने भी रिलीजन के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको बराबर का अधिकार मिलता है. एवरी वन हैज़ देयर इक्वल राइट्स फॉर एनी थिंग, ठीक है, सबको बराबर का मौका मिलता है. सब लोग अपना रिलीजन परफॉर्म कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपनी जो उनके रिवाज हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म बोलते हैं, सेक्युलर, ठीक है. अगर नेक्स्ट चीज़ हम देखें, अब नेक्स्ट पार्ट जो है फंड, ये जो आप साइड में फ़ोटोज़ देख रहे हो, ये तब के हैं जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन गया था. अब ये बुक देखना कितनी मोटी है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ये आप देख सकते हो ये बुक, ठीक है, जो बुक है वो इंडिया के, इतनी मोटी बुक आती है, आप देख सकते हो ये, ठीक है. यहाँ पे दिखा है द अबव फोटोज शो वेरियस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये जितने भी जो मेंबर्स थे, मेन जो मेंबर्स थे, वो साइन कर रहे थे. जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो सब साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए, ठीक है. और ये बुक आप फिर से देख सकते हो कितनी मोटी है वो, और इसमें सारे आर्टिकल्स और रूल्स बनाए हुए हैं कि किसको कैसे परफॉर्म करना है, लोगों को कैसे रहना है इंडिया में, ठीक है. बहुत सारे लोग तो इसको इतना फॉलो भी नहीं करते हैं क्योंकि बराबर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है रूल का. सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर जो थे, ठीक है.
ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, वो आप एक बार पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे राइट्स हैं। राइट टू इक्वेलिटी जो है उसका मतलब ही वही है कि कास्ट क्रीड के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर एट्सेट्रा। ओके, एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड नो वन शुड बी मार्जिनलाइज। राइट टू फ्रीडम, दैट एवरी वन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो अगर उसको कुछ गलत लग रहा है देन ही कैन रेज देयर वॉइस। ओके, वो उनकी आवाज़ उठा सकते हैं खुद की, अगर कुछ गलत लग रहा है उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर राइट टू मूव फ्रीली, कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरे देश में घूम सकते हैं, इंडिया में सारे लोग आज़ाद है, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी ऐसे उनको ना नहीं बोल सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ओके, कोई भी किसी से मजबूर फोर्सफुली काम नहीं कर सकता मजदूरों से। कोई अगर गरीब है तो उसको कोई अमीर पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि तेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी भी ह्यूमन को बेच नहीं सकते। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिखा है उसका मतलब क्या है, लोगों को बेचना पैसे के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में आता है, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, वो भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन। हिंदुओं को अधिकार है कि वो मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, मुस्लिमों को अधिकार है कि वो मस्जिदों में जाके वो नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। कोई किसी को रोक नहीं सकता एक सेक्युलर कंट्री में। ये सारे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दैट एवरी पर्सन एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू टेक एजुकेशन। उसको स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता उसको पढ़ने से। कल्चरल राइट्स है, ओके, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स हैं इंडिया में, राजस्थानी बोलता है कोई, गुजराती बोलता है, मराठी, ठीक है, तेलुगु वगैरह। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब इफ़ अ पर्सन फील्स लाइक हिज राइट्स आर एनेक्स्ड बाय समवन और बाय द गवर्नमेंट। अगर किसी को ऐसा फील होता है कि उसके राइट्स छीने जा रहे हैं उससे, तो वो क्लेम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि उससे उसके सर्टेन जो राइट्स है वो छीने जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ फिर उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो दिस वॉज योर चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो रहा हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए थे, ओके, और ये वीडियो लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, सो डोंट वरी अबाउट द थिंग। And if you have any doubt, you can ask me personally, okay? Thank you so much. We'll see you in the next chapter. God bless you.